हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज का हमारा प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ स्ट्रिंग्स सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये रहा मेरा सी प्लस प्लस का कोर्स जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एवरी वीकेंड मैं इस पर वीडियो डालूंगी यहाँ पर सिर्फ मैं ना लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊँगी यहाँ पर एक्चुअल में मैं कोड करना सिखाऊँगी ठीक है तो जो भी आपके जूनियर्स हैं कोड करना चाहते हैं और जो भी आपके कनेक्शन में हैं नन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं लेकिन कोड सीखना चाहते हैं तो उनको ये प्लेलिस्ट आप रिकमेंड कर सकते हो मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हो ओके तो चलो हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या हमारा आज का यहाँ पे अपने को ना दो स्टिंग दे रखा है स्टी आर वन एंड एस आर टू ओके हमें क्या करना है फाइन करना है लार्जेस्ट स्टिंग एक्स सच डैट एक्स डिवाइड्स बोथ स्टी आर वन एंड एस आर टू ठीक है सो देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे स्टीआर वन दे रखा है और स्टीआर टू दे रखा है हमें क्या करना है लार्जेस्ट स्टिंग फाइन करने हैं ठीक है एक्स जो क्या कर सके ना दोनों को डिवाइड कर सके तो इस कंडीशन में आप देखो यहाँ पे ए बी सी ए बी सी दे रखा है इस स्टीआर वन में और यहाँ पे ए बी सी है तो लार्जेस्ट स्ट्रिंग अगर हमारा ए बी सी होगा ना तो इसको भी डिवाइड करेगा फुल डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा राइट इस स्टिंग को आप यहाँ पे दो बार एड करोगे तो ये बनेगा क्या हाँ बनेगा यहाँ पे एक बार ये एड करोगे तो ये बनेगा राइट तो यही आपका क्या होगा लार्जेस्ट स्टिंग एक्स होगा तो ये आपका आंसर यहाँ पे होगा ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को ए बी ए बी ए बी और यहाँ पे ए बी ए बी दे रखा है तो वो लार्जेस्ट स्ट्रिंग कौन सा होगा कि दोनों को डिवाइड कर सके अगर हम यहाँ पे बोले ए बी ए बी होगा ठीक है तो देखो ये क्या इसको डिवाइड करेगा क्या फुल्ली चलो यहाँ तो कर दिया इतना दूर तक लेकिन यहाँ पे ए बी है ए बी आगे का नहीं है ये आगे का दो नहीं है ओके तो ये ए बी नहीं हो सकता तब क्या हो सकता है क्या ए बी ए हो सकता है क्या तो ए ले बी ए देखते हैं ए बी ए यहाँ तक डिवाइड कर लेगा लेकिन इसके बाद बी ए बी है तो ये होगा क्या नहीं होगा तब हम देखते हैं ए बी तो ए बी हाँ डिवाइड कर देगा इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा यानी अगर यहाँ पे ये ए बी को हम थ्री टाइम्स ऐड करें तो ये बन जाना है यहाँ पे टू टाइम्स ऐड करें तो ये बन जाना है तो ये दोनों को डिवाइड करेगा ए बी तो इस कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा ए बी होगा ठीक है अब यहाँ पे देखो लीड है यहाँ पे कोड है अब ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो आप बताओ क्या ये दोनों कर सकता है क्या कोई भी आप यहाँ पे इन दोनों से निकाल सकते हो क्या कोई एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते है, क्योंकि है ही नहीं कुछ यहाँ पे ठीक है तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा इंटरेस्टिंग रिटर्न होगा अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे हम ना पहले फोकस करेंगे कि इम, हमारा इमटे कब रिटर्न होगा ठीक है देखो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि अगर कोई कॉमन यहां पे आपका सब स्टिंग है जिससे दोनों स्टिंग बना होगा ठीक है एक स्टिंग कोई एस होगा एक्स होगा जिससे ये दोनों एस टी आर वन और एस टी आर टू बना होगा तो पक्का होगा कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें कहाँ से पहले एस टी आर वन को ऐड करें प्लस एस टी आर टू को ऐड करें या एस टी आर टू को पहले हम ऐड करें या एस टी आर वन को बाद में ऐड करें तो पक्का होगा कि इन दोनों का जो होगा ना फाइनल वैल्यू दोनों सेम होगा कैसे देख लो आप देखो इस कंडीशन में आप देख लो ए बी सी ए बी सी है इसमें हम ए बी सी कर देते हैं ठीक है ये बना अब इस ए बी सी में हम क्या करते हैं स्टीआर टू में हम इसको ऐड कर देते हैं ए बी सी ए बी सी देखो यही स्ट्रिंग बनाना ये वाली दोनों सेम है ना राइट right? दोनों सेम है अब यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे भी हमें कॉमन मिला है देखो ए बी ए बी ए बी इसमें हम क्या करते हैं इस ए बी को इन इन दोनों को ऐड कर देते हैं मतलब स्टीआर टू को ऐड कर देते हैं ए बी ए बी तो ये बना अब फिर हम क्या करते हैं स्टीआर टू में स्टीआर वन को ऐड कर देते हैं फिर ए बी ए बी में हम क्या करेंगे स्टी आर वन को ऐड करेंगे तो फिर से आपका वही स्ट्रिंग बनना है राइट right? दोनों क्या इक्वल है इस कंडीशन में क्या देखो इस कंडीशन में इक्वल बन रहा है क्या लीट में हम अगर कोड ऐड करें और कोड में हम लीट ऐड करें कोड लीट क्या ये दोनों सेम है क्या नहीं है ना तो जब भी हमारा ऐसा कंडीशन होगा जब हम एस वन प्लस एस टू करेंगे और एस टू प्लस एस वन को ऐड करेंगे अगर ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हम समझ जाएंगे हमें क्या करना है एम्प्टी स्टिंग डन करना है क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन ऐसा मिलेगा हमें नहीं कि दोनों को क्या करे वो डिवाइड कर सके ठीक है तो चलो हम ये समझ गए तो अब हमें जब ऐसा मिल जाएगा इक्वल मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा तो देखो उस कंडीशन में होगा कि कोई पक्का होगा कि एक पार्ट जो होगा एक पार्ट हमारा दोनों में से मिलेगा जिसको हम बार बार ऐड करेंगे ना समाइम्स मतलब एंड टाइम्स बोल सकते हो एक में टाइम्स एक में टी टाइम्स ऐड करेंगे तो पक्का है कि दोनों स्टिंग बन जाएगा ठीक है तो वो कॉमन लेंथ जो होगा ना वो हमें फ़ाइन करके देना है मतलब लेंथ नहीं मतलब वो स्टिंग हमें फ़ाइन करके देना है ठीक है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है यहाँ पे देखो ए बी सी को आप दो बार यहाँ पे दोनों में ये स्मॉल है ठीक है ये स्मॉल है इसको अगर हम दो बार ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए बी सी ठीक है ये इन दोनों में कौन सा स्मॉल है ये है क्या इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा क्या देखो ए बी को यहाँ तक आप करोगे तो कॉमन मिलेगा लेकिन यहाँ पे फिर आपका ए बी ए बी आपको नहीं मिलेगा ये वाली नई पार्ट मिली तो ठीक है अब दोनों में हम उस कंडीशन में क्या करेंगे ना ऐसा लेंथ फाइंड करेंगे कि दोनों को डिवाइड कर सके ये तो इसको नहीं कर पाया स्मॉलेस्ट जो था स्मॉलेस्ट लेंथ का जो था स्ट्रिंग वो तो डिवाइड नहीं कर पाया ठीक है हमें पता है कि दोनों ना एक कॉमन स्ट्रिंग से तो बना हुआ है ये हमें पता है हमें वो कॉमन स्ट्रिंग फाइंड करना है ठीक है तो पक्का है कि इसका सब पार्ट जरूर होगा लेंथ का सब पार्ट जरूर होगा यहाँ पे अगर फोर है तो ये फोर है और ये सिक्स है तो पक्का है कि वो सिक्स को भी डिवाइड करता होगा वो फोर को भी डिवाइड करता होगा तब तो यहाँ पे देखो टू इन टू थ्री करोगे तब तो ये बन जाएगा ये एक्स एक्स क्या होगा यहाँ पे टू होगा थ्री टाइम्स ऐड करें तब तो यहाँ पे बनाना तो पक्का है ये टू लेंथ का होगा तो ये आपको मिलेगा कैसे ये आपको मिलेगा दोनों के जी से कैसे क्योंकि आपको पता है कि जो भी होगा ना इन दोनों में ये दोनों को डिवाइड करता होगा तो ये देगा आपको कौन ये जी देगा आपको ठीक है तो यहाँ पे दोनों को कौन डिवाइड कर सकता है टू कर सकता है तो जो टू लेंथ का हमें मिलेगा वो हमारा आंसर होगा यानी ए बी होगा ठीक है इस कंडीशन में भी देख लो अपने पास थ्री है और ये सिक्स है तो दोनों में कॉमन क्या होगा थ्री होगा इस कंडीशन में ठीक है थ्री होगा तो ए बी सी ये आपका बना थ्री लेंथ का सब स्टिंग ठीक है तो ये हम रिटर्न कर देंगे तो इस तरह से हम फाइन करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पे कोड भी आपको दिखा देते हैं क्या है कि अपने को पहले एन वन फाइन करना है एन टू फाइन करना है ठीक है तो फिर एस टी आर वन एस टी आर टू नॉट इक्वल्स टू एस टी आर टू प्लस एस टी आर वन तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन स्ट्रिंग से ये बना नहीं हुआ है ये दोनों स्ट्रिंग जो है ना कॉमन स्ट्रिंग से नहीं बना है तो ठीक है इमटी स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न कर दो अदरवाइज आप क्या करो एस टी आर वन सब्स्टीआर कर लो या एस टी आर टू भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको कॉमन लेंथ का ही फाइंड करना है ना मतलब दोनों में जो दोनों को डिवाइड कर सके तो यहाँ पर सब्सटी आर जीरो से लेकर दोनों का जी एस डी लेंथ तक का हमें सब्सटिंग फाइन कर लेना है तो इस कंडीशन में थ्री मिलेगा तो जीरो से लेकर थ्री तक का ए बी सी है थ्री लेंथ का यहाँ पे टू मिलेगा तो जीरो से लेकर टू लेंथ का कितना सब्स्टिंग होगा ए बी होगा तो ये भी आंसर है तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना थैंक यू